अच्छा सर, मैंने कल क्विज दिया था, क्या वो सबसे मैच हो गया? पक्की बात है, कोई मसला? नो सर। क्या मसला है बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आंसर सही नहीं आ रहा था, सॉल्व कैसे करें? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें ये निकालने आता है कि मैंने पीपी खरीदा कितने का, तो वो हमने कैश फ्लो में क्या दिखाना है? माइनस। क्यों? क्योंकि मेरी जेब से पैसा गया है। अच्छा जब मैं पीपी बेचता हूँ तो मेरी जेब में पैसा आता है, तो वहां पर मैं क्या दिखाऊंगा, ऐड करूंगा? सिंपल। देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी रिवाइज करवाता हूँ ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो पूछो। वापस से जानी सुनना भाई, हमने ये कहा था कि हमने कैश फ्लो बनाना होता है, उसका मकसद होता है प्रॉफिट को रिकनसाइल करना, कैश इनफ्लो फॉर द ईयर से या आउटफ्लो फॉर द ईयर से। अच्छा दो तीन बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर ये तो कैश नेगेटिव आ रहा है, तो वो कैश नेगेटिव का मतलब है इस साल कैश आने के बजाय गया है, तो क्या ऐसा हो सकता है? यस सर, डेफिनेटली हो सकता है। तो वो फिर आपने माइनस में दिखाना है, वो माइनस होगा भी, क्योंकि लाजमी नहीं है कि एक एंटिटी एक इदारा एक साल में कैश जनरेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि कैश चला जाए। क्लियर है? अब सुनिएगा, एक एक करके लॉजिक को रिवाइज करते हैं। मैंने ये कहा कि मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, अच्छा पहले ये बताओ कि ये बताए कि मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर मेरे बिजनेस की ऑपरेशंस की कमाई भी होती है और अदर देन ऑपरेशन नॉन कैश एक्सपेंस भी होते हैं, और ऑपरेशंस के अलावा भी इनकम होती है, वो कौन सी होती है? ये नॉन डिस्पोजल, हमने ये सीखा था। सही जी, वापस से मैंने कहा मेरे ऑपरेशंस की कमाई, मेरा डेप्रिसिएशन और मेरे अदर देन ऑपरेशंस की इनकम, सब मिल मिला के मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। ऐसा ही है, एक एक करके लॉजिक दी मैंने। मैंने कहा कि क्या मैं डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देता हूँ? अच्छा तो डेप्रिसिएशन को एड बैक करने की मंतक या लॉजिक क्या थी? वो नॉन कैश है, उसका कोई कैश पे इम्पैक्ट नहीं है, तो हमने उसको एड बैक कर दिया, क्योंकि वो पीपी के यूज होने का एक्सपेंस है, ना कि उसको खरीदने का। ऐसा ही है, चलो जी यहाँ तक बात क्लियर होती है। फिर मैंने गेन ऑन डिस्पोजल को क्यों वापस से लेस किया था? ताकि इम्पैक्ट जीरो हो जाए। चलो इम्पैक्ट जीरो होने का मतलब ये कि मैं पैसे पूरे दिखा सकूं नीचे, ऐसा ही है। अच्छा एक तो लॉजिक ये थी कि इम्पैक्ट जीरो हो जाए, दूसरी लॉजिक क्या थी कि वो ऑपरेशंस की इनकम बिला वजह ऐड हुई थी, हमने उसको क्या किया, हटा दिया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा यहाँ तक आप सबको क्लैरिटी के साथ ये बता दो मुझे कि जब ये सारी एडजस्टमेंट पार्क करूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, कैश या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे? यहाँ तक भी बात क्लियर है? क्योंकि देखो मैंने वो सारी चीजें हटा दी जो अपार्ट फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, जो एक्सपेंस लेस हुआ हुआ था वो ऐड कर दिया, और जो इनकम ऐड हुई हुई थी वो लेस कर दी। मैं घूम फिरा के अपने ऑपरेशंस पे पहुंच गया। मैंने अपने शेयर होल्डर को कहा कि भाई मेरे ऑपरेशन से इतना पैसा आया है, यहाँ पे कोई मसला? अच्छा जैसे ही ऑपरेशन से पैसा आया, अब मेरा दिमाग चला पीपी के अकाउंट में गया। मैं पीपी का अकाउंट आपको अगर ये बता रहे कि आपकी कोई एडिशन है, तो पहले तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या वो एडिशन एक ऐसी एडिशन है जिसका कोई एक्सपेंस है या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? अच्छा उसका मेरे पीएनएल में कोई हेड नहीं है, पर क्या मेरे कैश में से गया हुआ है? तो मैं अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। मैं बोलूंगा कैश पेड टू एक्वायर पीपी या परचेज ऑफ पीपी। यहाँ तक क्लैरिटी है? अच्छा फिर मुझे याद आएगा मैंने पीपी बेचा भी है, जो पीपी बेचा है क्या उसका कैश आना कोई इनकम थी या कैपिटल रिसीट थी? कैपिटल रिसीट, जो कैपिटल रिसीट थी तो मैं पॉजिटिव दिखाऊंगा। तो मैंने कहा ऑपरेशन से इतना पैसा आया, पीपी खरीदने पे इतना लगाया और पीपी को बेच के इतना आया, तो मैंने कहा भाई मेरे पास नेट इनफ्लो इतना आया। क्लियर है? पक्की बात है, कोई भी कंफ्यूजन वापस पूछ लो बता दूंगा, इस पैसे पे कोई भी मसला हो। दूसरा वाला अभी देख लेते हैं। नहीं एडजस्टमेंट क्या, नहीं समझे मतलब वो माइनस क्या किया प्लस क्या किया? अच्छा एक मैं तुम्हारी बात शायद समझ रहा हूँ, उसमें तो कंफ्यूज नहीं हुए कि एक सवाल में आई थिंक मैंने गेन ऑन डिस्पोजल दिया था, एक में गेन ऑन डिस्पोजल आउटफ्लो भी निकाल लिया था और इनफ्लो दो लाख रुपए और 60,000, वो कौन सा वाला था, पहला था दूसरा क्वेश्चन था? चलो उसको यहाँ पे पहले वो कर लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। आ जाओ मुझे बताओ जरा, यहाँ पे नया हेड खोल लेते तुम्हारे लिए, या कोई ये बच्चा एक मिनट क्विज खोलता है जल्दी से मुझे बता दे, कोई भी बच्चा मोबाइल पे खोल लो कोई भी क्विज, मुझे खाली पीपी का डी अकाउंट बनवा दो, पीपी का ओपनिंग बैलेंस कितना था उसमें देख के बता दो जल्दी से।
1.2 मिलियन, चलो जी ये आ गया 1.2 मिलियन। क्लोजिंग कितना है? 1385000। अच्छा भाई क्या इस सवाल में डेप्रिसिएशन बताया था मैंने? नहीं बताया था, पक्की बात है? अच्छा जी पीएनएल में भी नहीं गिवन, कहीं भी नहीं गिवन। अच्छा क्या मैंने सवाल में एडिशन बताई थी? अच्छा आपने एडिशन निकाल ली होगी वहां पे 450। अच्छा पहले तो इस एडिशन को निपटाओ। क्या मैं कह सकता हूं मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा परचेज ऑफ पीपी कितना भाई? 450। ये सही है, मैंने माइनस दिखा दिया 450। क्यों? क्योंकि मेरी जेब से पैसा गया है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका पीएनएल पे कोई हेड नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इस सवाल में मैंने आपको डिस्पोजल बताया? अच्छा क्या लिखा हुआ है लाइन, कोई भी रीड करो आप, करो रीड। अच्छा अब वो कह ये रहा है कि मैंने एक पीपी बेचा है जिसकी कैश प्राइस कितनी है और उसने गेन बताया है 55,000। हाँ तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से लेस कर दूंगा ना, तो मुझे क्या मिल जाएगी? कैरिंग अमाउंट। यानी मैं कह रहा हूँ सेलिंग प्राइस में से एक कैरिंग अमाउंट माइनस हुई होगी तो ये गेन आया ना, तो मुझे बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है? 195,000। तो क्या ये मानते हो कि यहाँ पे मेरा जो डिस्पोजल आया होगा यहाँ पे आया होगा 195,000? बट जानिए मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कैश फ्लो में 195 लूं, 2.5 लाख लूं, क्या लूं? 2.5 लाख रुपए। तो मैंने क्या किया, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी कितना आ गया? 2.5 लाख रुपए बन गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इतना पैसा गया, इतना पैसा आया। नहीं नहीं वो गलत किया ना। देखो ये चीज आप कब करते हो पता है? जब आपने ऑपरेशंस खत्म कर लिए। पीबीटी के अंदर पता है क्या होगा, जो भी आपका पीबीटी था ना सवाल के अंदर, उसके अंदर तो एडजस्टमेंट होनी है बस, एक डेप्रिसिएशन की और गेन ऑन डिस्पोजल की। गेन ऑन डिस्पोजल इसके अंदर शामिल है ना जानी? डेफिनेटली शामिल है। इसको मैं क्या करूंगा, यहां से लेस कर दूंगा। डेप्रिसिएशन इसमें से लेस हुआ हुआ, मैं क्या कर दूंगा, एड बैक कर दूंगा। मैं पहुंच जाऊंगा कहां पे? कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे। ये कहानी करके आपने ऑपरेशंस का कैश निकाल लिया, इसके बाद जो भी है उसका प्रॉफिट पे कोई हिट नहीं है, वो सीधा पैसे का जाना है या पैसे का आना है वो अलग से बता दिया। बात क्लियर है? पक्का कंफ्यूजन नहीं है? ओके गुड। चलो जी अब सर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कोई मसला देखो पूछ सकते हो, अच्छी बात है इसने पूछा, क्लियर कर लिया कॉन्सेप्ट। कोई सवाल है? पक्का आगे चले? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो, ये मैंने रिवाइज करा दिया यहाँ पे वापस से, जल्दी से। क्लैरिटी है भाई? ओके गुड। आज सर हम देख लेते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल। इधर देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, फिर आप इस सवाल को खुद कीजिएगा। हेडिंग डाल लें अपने पास कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा भाई अब मैं, क्योंकि मैं आपको लॉजिक सिखा चुका हूँ, चीजें बता चुका हूँ, तो अब हम एक शॉर्टकट से इसको समझेंगे। सुनिएगा, आपको नीचे लिख के देगा ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड पीपी एट अ प्राइस ऑफ रुपीस 350 हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीस 450। अच्छा कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीस का मतलब समझते हो, ये वो अमाउंट है जिस अमाउंट पे पीपी मेरी किताब में मौजूद है, तो जाएगा भी उतने से, ये बात तो तय है ना। अच्छा मेरे पीपी के अकाउंट में कितना है, 350 या 450? 450 पीपी के अकाउंट में, पक्की बात है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक चीज मेरी किताबों में ज्यादा वैल्यू पे है और मैं उसको कम में बेचूं, तो मुझे फायदा होगा या नुकसान?
पक्की बात है, क्योंकि देखो पहले क्या हो रहा था, फायदा, अब क्या हो रहा है, नुकसान। क्योंकि ऐसा हो सकता है आपने एक चीज परचेज की हो, आपने उसको यूज किया और वो चीज डैमेज हो गई हो। आप लोग इंपेयरमेंट की क्लासेस ले रहे हो ना, तो इंपेयरमेंट डैमेज से ही तो आती है, पर हो सकता है मैं इंपेयरमेंट बुक करने से पहले उसको भेज दूं, तो मुझे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, फोकस के साथ मैं अपने पास से इस पीपी को 4.50 से निकाल दूंगा, वो हो जाएगा क्रेडिट, ऐसा ही है। मैं डेबिट क्या करूं, 3.50, तो सर मेरा लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा कितना, 1 लाख रुपीज। अच्छा, अब मैं आपसे दो चीजें पूछता हूं, क्या आपको ये बात यहां से देख के समझ आ रही है जानी, कि यहां पे ऑल टुगेदर मेरे पास ये लॉस आया है, इस लॉस ने मेरे पीएनएल को हिट किया होगा, इस लॉस ने मेरे पीएनएल को हिट किया होगा, और सर डेफिनेट सी बात है। अच्छा, इससे मेरा प्रॉफिट कम हुआ होगा या ज्यादा, कम हो गया होगा। अच्छा, गेन से क्या होता है, नहीं नहीं हुआ क्या होगा, मैं पूछ रहा हूँ, एडलेस तो बाद में, मैं बोल रहा हूँ जब ये लॉस पीएनएल में गया तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, ये बात भी समझ आती है। अच्छा, मेरे पास कैश कितना आया है, 350,000। अच्छा भाई, अब अगर हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए चीज देखें, मैंने अज्यूम ये किया कि मेरी सेल्स कोई सर यहाँ पे 1.2 मिलियन की है, मेरा COGS कोई सर 4 लाख रुपए का है, तो मेरा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 8 लाख रुपीज। अच्छा, जरा इधर देखिएगा, मैंने कहा मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50,000 रुपए का है और लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है भाई, मेरे पास नेट कितना आ गया, हाँ जी 650, चेक कर लो, यही है 650 ही है ना। अच्छा भाई, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मेरी सारी अज्यूम फिगर्स है, यानी सर अब हुआ क्या पूरे साल में, पूरे साल में जानी हुआ ही है, पूरे साल में हुआ ये कि सर हमने सेल्स की 1.2 मिलियन की, 4 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल्स ही, ऑपरेशन से कितने पैसे आए, 8 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन कितना 50,000 और मेरे पास लॉस ऑन डिस्पोजल कितना, 1 लाख रुपए। तो क्या ये पीएनएल सही बना हुआ है, यस सर। मेरी नेट कमाई कितनी है, 650। अच्छा, अब जब मैं कैश फ्लो बनाता हूँ तो मैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की हेडिंग से शुरू करता हूँ, यहाँ पे साथ ही आपको बताते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताते हो, मैं शुरू कहां से करूंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो कितना है, 650। सर आपने इसमें क्या पार्क करना सीखी है, एडजस्टमेंट। सर मैं डेप्रिसिएशन को क्या करूंगा, एड बैक करूंगा, क्यों करूंगा, नॉन कैश है। अब जरा फोकस होकर एक बात देखिएगा, मुझे ये लगता है कि अब मेरे इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर गेन की जगह लॉस ऑन डिस्पोजल है, ऐसा है। अच्छा जी, लॉस ऑन डिस्पोजल से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ है। अच्छा, अब अपने आप से पहला सवाल पूछो, क्या वो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑपरेशंस का लॉस है या अदर देन ऑपरेशन है, वापस से सुकून से, नहीं समझा वापस से पूछना। मैं कह रहा हूं आप यहां पे वाज़ह तौर पे देख सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं सामने सामने बना रहा हूं। क्या ये बात मानते हो कि मेरे ऑपरेशन के प्रॉफिट को एक तो डेप्रिसिएशन ने कम किया हुआ था जो कि क्या है, नॉन कैश, दूसरा किस चीज ने कम किया हुआ था, लॉस ऑन डिस्पोजल ने, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया था, जबकि वो ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता। तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर मुझे उसका इम्पैक्ट जीरो करना है तो मैं इसको लेस करूं या ऐड करूं, तो सर गेन होता है तो आप बोलते हैं लेस करें, तो आप बात समझें भाई, गेन होता है तो वो ऐड हुआ हुआ होता है ना, तो मैं उसको क्या करता हूँ, तो अब लॉस है तो वो लेस हुआ हुआ है तो मैं क्या करूंगा, ताकि मेरा इम्पैक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वेरी गुड। या तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे लॉस ऑन डिस्पोजल 1 लाख रुपए मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। अच्छा, जब मैं इन सबको एडजस्ट करूंगा तो मैं कितने पे पहुंच गया, तो अब मैं क्या कहूंगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको आप यूं भी देख सकते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए किया ना, जरा इधर देखिएगा, आप समझे आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ नहीं है सिवाय इस लॉस के, कितने का लॉस,
मैंने बोला आप सब चीजें हटा देना, मैं आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। अच्छा, आपके पास पीपी को बेचने से जानी कैश कितना आया, यही आया? अच्छा जी, मैंने कहा ये मेरे पास है कैश इनफ्लो। अच्छा, मैंने इसमें ऑपरेशंस को हटा दिया है, मैंने इसमें ऑपरेशंस को हटा दिया है। अच्छा, आपको अपने शेयर होल्डर को क्या दिखाना है कि मेरे पास प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल कितना आया जानी, 350। बट देखो, अगर 350 यहाँ लिखो कि 1,00,000 नेगेटिव होगा तो ये तो 2,50,000 हो गया, ये कभी रिकनसाइल? तो फिर तुम्हें इसको रिकनसाइल करना है तो ऊपर एडजस्टमेंट पार्क करेंगे, एडजस्टमेंट पार्क करके इस लॉस को क्या करेंगे, जीरो। पहले गेन को क्या करते थे, साथ साथ बोलोगे, पहले क्या था गेन, गेन को जीरो करने के लिए क्या किया था, लेस किया था, ताकि इम्पैक्ट क्या हो जाए, जीरो। मैं पूरे पैसे दिखा दूं। इस केस में तुम्हारे सामने मैं कह रहा हूँ प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी 350 है, और मैं अगर 350 में से उसको नेट करता हूँ तो नीचे 2,50,000 आता है, जबकि आना कितना चाहिए 350 आना चाहिए, तो कितना कम आ रहा है, 1,00,000 रुपए। तो वो 1,00,000 रुपए किस वजह से कम आ रहा है, लॉस ऑन डिस्पोजल। तो क्या मैं एक काम करूं कि मैं अपने एडजस्टमेंट के कॉलम में अपने शेयर होल्डर को बताऊं कि भाई एक लॉस ऑन डिस्पोजल है जिसका इम्पैक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो कर रहा हूँ। तो क्या ये बात मानते हो जब मैंने ये पार्क किया तो इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, जीरो। क्योंकि अच्छा, अब इसकी कितनी लॉजिक्स होंगे, दो। कोई आपसे आज के बाद पूछे कि आप लॉस ऑन डिस्पोजल एड बैक क्यों करते हो, आपका जवाब क्या होगा, ताकि इम्पैक्ट क्या हो जाए, जीरो, और मैं पूरे पैसे नीचे दिखा सकूं। और दूसरी लॉजिक ये है कि दिस डज नॉट पर्टेन टू ऑपरेशंस। आपके सामने यहाँ पे देखो, क्या ये ऑपरेशन से पर्टेन करता था, नहीं। मैं तो कह रहा हूँ उसने मेरी ऑपरेशन की इनकम को क्या किया हुआ था, जो कि होना नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया उसको वापस एड बैक कर दिया। तो कितनी लॉजिक्स हो गई, दो। जल्दी बताओ, पहली लॉजिक इम्पैक्ट जीरो करने के लिए, दूसरी लॉजिक ये दिस डज नॉट पर्टेन टू ऑपरेशंस। भाई बात क्लियर है? अच्छा, अगर ऑल टूगेदर उल्टा सोचो, अगर गेन होता तो इसके अंदर क्या हुआ होता, मैं इसको क्या करता, ताकि इम्पैक्ट क्या हो जाता, जीरो। क्योंकि अगर पूरी प्रोसीड नीचे दिखा दे तो वो कितनी बार हो जाता, दो बार, जो कि होना नहीं चाहिए। देखो यार, मेरे लिए तो बड़ा आसान था, मैं कहता गेन हो तो लेस करना, लॉस हो तो ऐड करना, पर क्या मैथमेटिकली लॉजिकली समझ आता है, क्लियर है? अब छापो उसको जल्दी से यहां से। हो गया कॉपी? नहीं नहीं समझ नहीं, भूल गई तो फिर जिंदगी में कभी को याद होना चाहिए। कौन सी लाइन बोलूं वापस, इतनी मुश्किल से याद की थी मैंने, मैंने बोला था दिस डज नॉट पर्टेन टू ऑपरेशंस। यानी यहां तक हो गया कॉपी? अच्छा, चाहे गेन ऑन डिस्पोजल हो या लॉस ऑन डिस्पोजल हो, पीपी के अकाउंट से कौन सी अमाउंट निकलेगी, कैरिंग अमाउंट, वेरी गुड, कैरिंग अमाउंट। उसका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। जब कैरिंग अमाउंट कैश से कंपेयर की जाएगी तो या तो गेन आ जाएगा या तो लॉस आ जाएगा, दोनों को आपको एडजस्ट करना सिखा दिया मैंने। बिल्कुल करेंगे आसान, पर अब
ये समझा दूं ये वाली बात। चलो देखो, मैंने कहा कि भाई अगर आप कैश फ्लो में सारी चीजों को साइड में कर दो, भूल जाओ, तो आपके प्रॉफिट में सब चीजों के साथ साथ ये लॉस भी होगा, सही है? और नीचे कैश होगा कितने का? 3.50 का। अच्छा, अगर आप अपने शेयर होल्डर को इसको एडजस्ट किए बगैर, इसको भूल जाओ, इसको मैं हटा दूं, अगर अगर यहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी दिखाओगे ना, ऊपर नेगेटिव और ये 3.50 पॉजिटिव, नेट बन जाएगा 2.5 लाख रुपए, जबकि नीचे कितना आ रहा है? 3.50। तो फिर अगर आपको अपने शेयर होल्डर को प्रोसीड 100% दिखानी है, तो आप पहले एक काम करें, जो आपके प्रॉफिट के अंदर एनोमलीज हैं उसको पहले जीरो करें। क्या करूंगा मैं लॉस ऑन डिस्पोजल को, जो एक नेगेटिव फिगर है, उसको जीरो करने के लिए क्या करूंगा? पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए यहाँ पे एडजस्टमेंट पार्क कर ली। एक तो लॉजिक ये है कि इम्पैक्ट जीरो करूं, दूसरी लॉजिक क्या है कि ये ऐसा लॉस है जिसने बिला वजह मेरे ऑपरेशंस के प्रॉफिट को क्या किया हुआ है, जबकि ये मेरे ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता, तो मैं एडबैक कर दूंगा। साइमल्टेनियसली दूसरा केस क्या होता है, गेन ऑन डिस्पोजल। जो गेन ऑन डिस्पोजल होता है वो मेरी ऑपरेशन की इनकम को इंक्रीज करके बैठा हुआ था, मैं क्या करता हूँ, उसको हटा देता हूँ ताकि मैं अपने ऑपरेशन पे पहुंच जाऊँ। क्लियर है? गुड। चलें जी भाई, अब आप आ जाएं एक प्रश्न के ऊपर। ये था आपके सामने एक सवाल, जल्दी से मुझे करके दिखाएं, इसके अंदर इन्वॉल्व है लॉस ऑन डिस्पोजल, जल्दी से। हाँ कासिम, आप कह रहे हैं कि नेट इनफ्लो आ रहा है 81,000 का। ओके जी, देखते हैं। लॉस ऑन डिस्पोजल एंट्री बनाते वक्त तो डेबिट साइड पे आएगा, पीपी के अकाउंट में लॉस ऑन डिस्पोजल आता ही नहीं है, क्योंकि वो पीपी का आइटम ही नहीं है, वो कहाँ का आइटम है, पीएनएल का। भाई ये लिख भी लें अपने पास, लॉस ऑन डिस्पोजल पीपी के अकाउंट में कभी भी नहीं आता। पीपी के अकाउंट में सिर्फ वो चीज आएगी जो उस अकाउंट से रिलेट करती है, दैट इज कैरिंग अमाउंट। अच्छा, मैंने चैप्टर 1 की पीडीएफ भेज दी थी, मिल गई थी ना सबको ग्रुप पे। अभी हमने अपनी बुक का एक सवाल भी शुरू नहीं किया, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट मेकर्स चल रहे हैं आपके। हाँ, जो पब्लिश हुई है ना, ये उसी का ही एक चैप्टर है। बुक दे दूंगा तो जानी तू, फिर दुकान वुकान नहीं, दुकानें बहुत है हमारी, कभी आओ तो मैं घुमा के आता हूँ। आ जानी, सही है ना, हो गया डन। नेट इनफ्लो कितना आया जानी? 81,000। मैं तो इस फेवर में भी नहीं होता कि मैं बुक में सॉल्यूशंस डालूं, पहली बार मैंने डाले हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा क्या करते हैं कि सोल्यूशन पे जाके देख लेते हैं कि भाई कैसे सॉल्व होता है, दिमाग नहीं चलाते। FAI2 FFR ऑडिट में मैं कभी सोल्यूशन नहीं देता था, सॉल्व करवाता था फिर देता था सोल्यूशन। पर खैर, अभी बच्चे तुम लोग जैसे आते हैं ना, चुन्नू मुन्नू, रोते हैं कि सर वेयर इज द सोल्यूशन, तो उसके लिए मैंने डाल दिए।
क्विज के सोल्यूशन वो तो ऑटोमेटिकली आते हैं ना आपके पास आंसर के भाई। कुछ का सोल्यूशन इसलिए क्योंकि किसी बच्चे को अगर मैच करना हो कि उसने गलती क्या की है अटेम्प्ट करने के बाद। मैं तो बोल रहा हूँ कुछ पीस ऐसे होते हैं ना कि पहले देखते ही सोल्यूशन तहरी के बाद, तो आप फिर कसम खा के बोला करें ना कि मैं नहीं देखूंगी पहले, लाजमी उस पर क्लिक करना, नहीं करो क्लिक हाँ तो फिर क्या की टेंशन है। रोजा रख के खाना खाती हो पा होता सामने, नहीं ना पानी पीती हो तो उसको समझो हराम है वो जब तक नहीं किया क्विज। बिल्कुल बिल्कुल जानी कासिम। चलें जी भाई करें सवाल, हो गया सबका सवाल। चलें जी ऊपर करते हैं। अच्छा भाई सबसे पहले सर हमने कहा यह है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है आपका? 76,000। अच्छा भाई आपके पास एडजस्टमेंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया कितना? 20,000 रुपये। हमने इसलिए ऐड बैक किया क्योंकि ये नॉन कैश है, माइनस में नहीं था, नॉन कैश है वैसे। ओके जी इसके बाद हमने इसमें ऐड किया लॉस ऑन डिस्पोजल। या प्लीज जल्दी बता दो इतनी मेहनत के बाद कि मैं लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड बैक क्यों कर रहा हूँ? पहला लॉजिक इम्पैक्ट जीरो हो जाए क्योंकि अगर इसको जीरो किए बगैर आप प्रोसीड दिखाते तो ये नेट करके कभी भी आंसर मैच नहीं होता, तो ग्रॉस प्रोसीड दिखाने के लिए आपको इसको जीरो करना है, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक कि ये ऐसा लॉस है जो ऑपरेशन से पर्टेन नहीं करता, तो हम इसको इम्पैक्ट क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। तो सर लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है? 4,000 रुपये। इन सब का नेट कितना आ गया? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया 1,00,000 रुपये। अब कौन सी एक्टिविटी जानी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आपके पास कोई परचेज ऑफ पीपीई है? कितना जी? 70। अच्छा 30,000 रुपये बस। और डिस्पोजल ऑफ पीपी सर ये आ गया 11,000। मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि सर यहाँ पे सिर्फ मैं ये देखना चाहूं कि मेरे पास इस वाली एक्टिविटी में कितना आउटफ्लो है, कितना है? 19,000। मैं कह रहा हूं मैंने अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 19,000 लगाए हैं, ऐसा ही है। ऑपरेशन से इतने आए, इन्वेस्टिंग से इतने गए, तो मेरे पास नेट कैश इनफ्लो कितना है? या यस सर नेट कैश इनफ्लो 81,000। सर अगर मैं आंसर चेक करना चाहता हूं तो इसके अंदर क्या ऐड कर दूं? ओपनिंग बैलेंस आपका है भाई 2,00,000 रुपए, तो ये आ गया 281,000। सबका सही था जी, ये पक्की बात है। आओ जी अगला सवाल। जल्दी सर सेम तो नहीं है ये? नहीं यार प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेम है ना, पूरा ही सेम है, देख लो यार। वाह यार नशे में हूँ सॉरी। चलो जी फिर हेडिंग डाल लो अपने पास, ये फिर लॉजिक समझ के आगे चलते हैं। आप हेडिंग डालें इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इट्स रिलेशन विथ कैश फ्लो। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा कुल मिला के अगर हम कॉन्सेप्ट्स गिने तो एक नॉन कैश सीख लिया, पीपी का एडिशन सीख लिया, गेन ऑन डिस्पोजल एंड
लॉस ऑन, चार कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, चारों में कोई मसला नहीं है, गुड। अब आगे आ जाओ, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा एक चीज हल्की सी बेसिक सी रिकॉल कर रहा हूँ, तो फिर हम इसको कैश फ्लो से लिंक करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस तब आएगा ना कि जब कोई भी इदारा लोन ऑप्टेन करेगा, ऐसा ही है। मैं उस लोन ऑप्टेन करने को अभी इग्नोर कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप समझे कि लोन ले चुके हैं, अब सिर्फ मेरे पे क्या लग रहा है, इंटरेस्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही सुकून से सुनना है इस बात को। मैं कह रहा हूँ कि लोन ऑप्टेन करने का इम्पैक्ट क्या होता है वो आगे सिखाऊंगा, पर मैं कह रहा हूँ आपको अब मैं जो सिखा रहा हूँ वो ये सिखा रहा हूँ कि लोन ऑप्टेन हो चुका है, उसके ऊपर क्या चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, उसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं अभी, और फिर उसका इम्पैक्ट सीखेंगे किस पे, कैश फ्लो के ऊपर। क्लियर है? इधर देखिएगा, बहुत सुकून से लेके चलते हैं। मैंने ये कहा कि भाई मैंने लेट से लोन ऑप्टेन किया था कोई 1 मिलियन का, इसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट पे करना है कोई सर 10% का। ये मैंने कह दिया सर ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, ये बात मुझे समझ आती है। अच्छा अब अज्यूम हम कर रहे हैं कि हम हैं अभी 2020 में, 1 मिलियन का 10% कितना बनता है, 1 लाख रुपए। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूँ, कंपनी क्या करती है, कंपनी सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करेगी स्लैश, या उसको ये नाम भी दिया जाता है फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, सब नाम एक जैसे ही है। क्यों बता रहे हैं, सवाल में अलग अलग तरीकों से आता है, इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट ये कि डेबिट कितने से, 1 लाख रुपए से। क्या मैं कह सकता हूं कि इस फाइनेंस कॉस्ट ने मेरे पीएनएल को हिट किया है, इससे मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, वेरी गुड। आगे देखिएगा, मैंने किया ये कि यहां पे इंटरेस्ट पेबल को क्रेडिट कर दिया कि मुझे इंटरेस्ट पे करना है, मुझ पे इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। क्या मैं यहां लिख सकता हूं, अगर आप लोग एग्री करें मेरी बात से, इंटरेस्ट ड्यू होने से लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, क्या ये बात मानते हो, इंटरेस्ट के ड्यू होने से लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। सर मैं इसको एक और तरीके से लिख रहा हूं, और जो कि आपको कैश फ्लो में बड़ा काम आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। पहले बताओ अगर ये बात क्लियर है आपको, भाई मैंने आपके सामने एंट्री बना के आपको प्रूफ किया, कोई ऐसी बातें नहीं की है मैंने। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब भी इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा उसकी वजह से मेरी लाइबिलिटी क्या होगी, आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से लाइबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पे कोई पंगा, पक्की बात है, कोई इशू नहीं है। अब इधर देखें, अब एक दूसरी एंट्री बना रहा हूं मैं, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। अब लेट से मैंने कहा ये है 75,000, मुझे ये लगता है जो मैं भी बात कहने वाला हूं, इंटरेस्ट की पेमेंट से मेरी लाइबिलिटी कम होती है। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, पागल लोगों, सुबह सुबह बात सुनो। मैंने ये कहा कि सर एक्सपेंस की वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, पेमेंट की वजह से लाइबिलिटी, साथ साथ बोलोगे एक्सपेंस की वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, पेमेंट की वजह से लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, क्या यही फैक्ट है ये, और ये फैक्ट नहीं लॉजिक भी यही होना भी यही चाहिए। क्लियर? हम यहां पे अपनी याद दहानी के लिए लिख लेते हैं, पेमेंट की वजह से लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, ऐसा ही है। ये बात अभी हमने दो फैक्ट मालूम किए हैं, यहाँ पे आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेंस देखोगे तो क्या समझ आएगा, लाइबिलिटी, अच्छा पूरे एक्सपेंस से देखो, एक्सपेंस का मतलब ये है चाहे पे हुआ हो या ना हुआ हो, बहुत क्लियरिटी से बता रहा हूँ ताकि कैश फ्लो में गलती नहीं करूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेंस का मतलब क्या है, पे हुआ हो
वो मेरा एक्सपेंस है, उससे पूरी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। हाँ अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि पूरे एक्सपेंस में से कुछ की पेमेंट ना हुई हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वापस से समझिएगा भाई, मैं क्या ये कह सकता हूँ आज के बाद, एक्सपेंस जितना भी होगा वो मेरी पूरी लाइबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पर क्या फिर ऐसा हो सकता है कि उस लाइबिलिटी में से पूरा पे ना हो? तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि एक्सपेंस का होना अलग बात है, उसकी पेमेंट होना अलग बात है। साथ साथ एक्सपेंस का होना और उसकी पेमेंट होना अलग बात है। मैं भी यहाँ पे तो ये बता रहा हूँ, एक्सपेंस कितना है 1,00,000 रुपए, पेमेंट कितनी हो रही है। तो भाई आप सिंपल लॉजिक रखें ना एग्जाम में भी, कि भाई एक्सपेंस होगा तो उससे मेरी पूरी लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और फिर लाइबिलिटी का होना अलग बात, उसका पे होना अलग बात। तो उसको हम यूं कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई एक्सपेंस तो है, एक्सपेंस तो पूरा है, चाहे पे हुआ हो या ना हुआ हो। अब उसकी पेमेंट देखते हैं हुई या नहीं हुई। तो हम सिंपल उसूल रखेंगे एग्जाम में और प्रैक्टिकल लाइफ में, जब भी एक्सपेंस होगा मैं उससे अपनी लाइबिलिटी को क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, और फिर देखूंगा उसमें से पेमेंट कितनी हुई। बात क्लियर है? यानी आज के बाद कोई आपसे पूछे क्या इज इट नेसेसरी कि जितना एक्सपेंस है उतनी पेमेंट हो, आप बोलेंगे एक्सपेंस से पहले लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और फिर देखेंगे उसमें से पे कितना हुआ। भाई बात क्लियर है जी? कोई सवाल है? देखो एक होता है एक्सपेंस का रिकॉर्ड होना, मैं आज के बाद आपसे कहूँ ना कि एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप बोलेंगे सर लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैं कह रहा हूँ आप पेमेंट कर रहे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि एक्सपेंस कम हो रहा है, आप बोलोगे लायबिलिटी सेटल हो रही है। वापस से आज के बाद मैं आपसे कहूँ कि एक्सपेंस हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। आज के बाद मैं कहूँ आपसे कि लायबिलिटी सेटल हो रही है, तो क्या एक्सपेंस कम हो रहा है या ऑब्लिगेशन कम हो रही है? ऑब्लिगेशन कम हो रही है। ये बेसिक याद रहेगी, पक्की बात है जी? अगर डायरेक्ट कैश पे हो जाए तो एग्जामिनर आपको यही तो नहीं बताएगा ना। प्रैक्टिकल लाइफ में कैश फ्लो बनाते वक्त मैं आपसे चलो प्रॉमिस भी करता हूँ, कंपनी के कैश फ्लो आपसे बनवा दूंगा, बस बनाओगे इस काबिल कर दूंगा। तो पहले लॉजिक समझो। देखो कोई भी चीज ना पहले ऑब्लिगेशन में जाती है। मैं कह रहा हूँ सेम टाइम पे एक्सपेंस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट कर दो, कितनी देर लगेगी? क्लियर है? सुनिएगा इधर फोकस के साथ। सर अगर वो एक ही दफा में पे कर दे तब, देखो अगर चलो सुनो इसकी भी मंतक समझाता हूँ, उसने भी वही सवाल किया। अगर आपको बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेएबल नहीं दिखता ना, मतलब कोई ऑब्लिगेशन जो एक्सपेंस है वो पे हो गया, ये बात नहीं आई समझ? देखो मैं कह रहा हूं अगर आपके पास, देखो इसको यूं भी समझो, अगर आपको एग्जाम में या प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस शीट के अंदर इंटरेस्ट पेएबल दिखता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपनी पहले इंटरेस्ट को अक्रू करती है और फिर पे करती है। पर कब ये होगा? जब इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट दिखेगा। अच्छा एक कंपनी है जिसमें इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट ही नहीं है, फिर तो फिर आपकी वाली बात आती है कि जितना एक्सपेंस है उतनी पेमेंट है, तब कोई मतलब लायबिलिटी नहीं, फिर पेमेंट है। देखो दोनों में क्लैरिटी है। देखो बच्चे ने भी पूछा, इसने भी पूछा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कैश पे कर दिया। भाई वो फिर आप लॉजिक कब लेके जाएंगे, जब मेरी बैलेंस शीट के अंदर मुझे इंटरेस्ट पेएबल, पर जब आपको, अच्छा ऐसा हो ही नहीं सकता ना, वो तो कॉन्सेप्ट टेस्ट करने बैठा है। चलो अगर आपको मैं आपसे ये पूछूं, आपको बैलेंस शीट के अंदर इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट दिखता है, तो ये कंपनी की पॉलिसी क्या होगी, पहले अक्रू करेगी? अच्छा अक्रू कैसे करेगी, एक्सपेंस को पूरी क्या बनाएगा पहले लायबिलिटी, और फिर उसमें से क्या करेगा पेमेंट। अच्छा फिर कब ऐसा केस होगा जिसमें लायबिलिटी का कोई चक्कर ही नहीं है, जब हमारी बैलेंस शीट में कोई इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट ना देखे। तो जब मेरी बैलेंस शीट में कोई इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट नहीं होगा, तो मुझे टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। मैं सिंपल कहूंगा जितना एक्सपेंस है उतनी पेमेंट है। पर अगर मेरी बैलेंस शीट के अंदर मुझे इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट दिखता है, तो फिर ये लॉजिक अप्लाई होगी कि एक्सपेंस पहले लायबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और फिर वो लायबिलिटी क्या होगी, सेटल होगी। भाई बात क्लियर है? अच्छा यहां तक कॉपी करो, फिर मैं इसको कैश फ्लो से कनेक्ट करूं जल्दी से। हसन आरिफ क्लियर हो गई बात जानी तुम्हारी? ओके जी
हो गया कॉपी। बिल्कुल अभी जैसा ही, अगर फुल इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई है तो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट हो चुका होगा, और आपके पास बैलेंस शीट में कोई पेबल नहीं दिख रहा होगा। पर ये तब होगा जब पेबल ना दिखे, और जब पेबल होगा तो आपने फिर ये फॉलो करना है। हाँ जी, लिंक करें इसको कैश फ्लो से। आ जाओ जी। अच्छा, आप जरा फोकस होके देखिएगा, मैं यहाँ पे आप लोगों की तसल्ली के लिए एक अकाउंट बना रहा हूँ इंटरेस्ट पेबल का। बहुत फोकस होके देखिएगा इसको, क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट ऐड होता रहेगा। मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा कहता रहता हूँ सवालात ऐसे या कोर्स ऐसे डिजाइन किया है मैंने कि चीजें जमा होती रहेंगी। अब आप देखो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्या हो रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, ताकि पिछला भी हम ना भूलें। ठीक है जी, तो इस पे भी फोकस करें ताकि इसको भी ऐड करें हम अगले सवाल में। इधर मैंने कहा कि भाई लास्ट ईयर मेरा 2019 है, करंट ईयर मेरा 2020 है। अच्छा, मैंने अज्यूम ये किया कि मेरे पास लास्ट ईयर कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं था, लास्ट ईयर कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं था। मैंने आप लोगों की तसल्ली के लिए यहाँ पे लिख दिया कि इंटरेस्ट पेबल मेरा आ रहा है 25,000 रुपये का। इंटरेस्ट पेबल आ रहा है 25,000 रुपये का, और सर आपके सामने वाजे तौर पे आप यहां से भी देख सकते हैं लायबिलिटी कितने की क्रिएट हुई थी, पे कितना हुआ, बचा कितना 25,000। पर एग्जाम में ये होके मिलेगा तुम्हें एंट्री नहीं बताएगा वो बोलेगा खुद समझो कि क्या हुआ था। तो वो लॉजिक्स में डेवलप कर रहा हूँ एंट्री के साथ, ताकि वो बच्चे जिन्होंने पीआरसी या अपने अकाउंटिंग की थोड़ी सी वीक है तो वो यहाँ पे समझ आ जाए। इधर सुनना, अब मुझे एक बात बताओ, आज से पहले तुम लोगों ने सिर्फ पीपी का अकाउंट बनाना सीखा था, आज के बाद एक और अकाउंट बनाओगे इंटरेस्ट पेबल का। अभी हम लिंक करेंगे हैं इसको, किसका अकाउंट बनाओगे भाई, इंटरेस्ट पेबल का। अच्छा भाई, लाइबिलिटी का ओपनिंग उधर आएगा ना, इतना तो मुझे पता ना, लाइबिलिटी का ओपनिंग उस वाली चौरंगी पे आएगा। हमने कहा भाई ओपनिंग हमने लिख दिया जीरो। अच्छा, आप बहुत ही सुकून से इस बात को समझो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो अगर लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज होगी, लेट से तुमसे मैं पूछता हूँ। अच्छा, इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, शर्माने की बात नहीं है, कंफ्यूजन तो पूछ लेना, क्योंकि तुम अपनी बेसिक से उठ के आए हो, तो ये सारी रिपोर्टिंग है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो फोकस हो गया, कोई शर्माने वाली बात नहीं, क्लैरिटी से पूछना। मुझे एक बात बताओ, मुझे लगता है कि ये वाला जो हिस्सा है ना लाइबिलिटी, जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। सर ये वाली बात हमें याद नहीं आ रही है शायद, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होगी, पक्की बात है, देख लो पे मुकदमा नहीं, बाद में लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। पर मुझे ये लगता है कि अभी मैंने ऊपर कुछ बताया था कि लाइबिलिटी इंक्रीज होती है एक्सपेंस की वजह से, ये देख लो रीड करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से। भाई मैंने तो डिजाइन ही ऐसा किया ना कि दिमाग में चुबक जाए वो वापस से। भाई मैंने कहा ये डी अकाउंट है लाइबिलिटी का, मुझे इतना पता है कि ओपनिंग लाइबिलिटी जीरो है, पर मुझे ये पता है कि ये अकाउंट में लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो मतलब क्रेडिट होगी। पर फिर ये भी तो बताओ, ये लाइबिलिटी इंक्रीज कब होगी, एक्सपेंस की वजह से। सर अब आपने पिक किया, ये लाइबिलिटी इंक्रीज किस वजह से होगी, या आप खुद भी लॉजिकली सोचो ना, इस वाले अकाउंट में मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज ही तब हुई होगी जब कोई एक्सपेंस हुआ होगा। आपने पता है एग्जाम में क्या करना है, आपने पीएनएल में जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां से एक्सपेंस ढूंढना है। कौन सा एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, कौन सा एक्सपेंस, बच्चे रट्टा लगा के जाते हैं कि यार ये होगा तो ये कर लूंगा, भाई जिस अकाउंट की चीज है वहां पे फेंको। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ डाल सकते हो, वो कौन से अकाउंट का है, पीपी के अकाउंट का। भाई जो चीज जिस अकाउंट की है वो वहां से पर्टेन करेगी, पहले बताओ ये बात क्लियर है, पक्का, ओके। अब आगे देखो भाई, मुझे ये लगता है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये पेबल का अकाउंट लाइबिलिटी की वजह से इंक्रीज होगा। पर मुझे फिर ये भी तो समझाओ कि ये लाइबिलिटी किस वजह से इंक्रीज होगी, एक्सपेंस की वजह से, और एक्सपेंस तुम्हें कहाँ मिलेगा, पीएनएल में। कौन सा एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस या सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस। मैं जाऊंगा पीएनएल में, मैंने देखा पीएनएल में इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है कितने का, क्या मैंने सही किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल, देखो पेबल क्रेडिट, उसका रीजन क्या है, एक्सपेंस, यही करते हो ना तुम जनरल लेजर्स में, ये आ गया भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस,
यानी सर मैंने आपको लॉजिकली सिर्फ एक बात बता दी, एग्जामिनर आपको कुछ भी ना बताए, कोई कंपनी के अकाउंट्स आपको कुछ भी ना बताए, आपको खुद समझ आनी चाहिए कि वो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो मेरे पीएनएल में आ रहा है उससे मेरी ये लायबिलिटी क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। यहां तक क्लैरिटी है पक्का? ऑनलाइन में लो प्लीज कंफर्म करो या फिर आगे चलें जल्दी से, फौरन से बताओ। ओके अच्छा, फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में मिलेगा। बैलेंस शीट में क्लोजिंग आ रहा होगा कितना? अच्छा, अब ये अकाउंट आपको इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन चुका है। एक्सपेंस हुआ 1,00,000 का, बच गया कितना? तो मेरे ख्याल से बाकी क्या हो गया? वेरी गुड। तो आपने यहां से कैश की फिगर निकालनी कि कितना पे हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे ये पे हुआ है 75,000 का? देखो यार, मैंने जानबूझ के पहले एंट्री समझाई, लॉजिक समझाई, अकाउंट पे लाया, फिर ये बताया। मैं डायरेक्ट बताता नहीं समझ आता। देखो असल में हुआ भी ये था, पर आपको क्या लगता है कंपनी में क्या एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी होती है? 15-20 भी हो सकती है, 15-20 भी हो सकती है, पर मैं आपको बताऊंगा किसी एक कंपनी ने 1,000 फैसिलिटीज क्यों ना ली हुई हूँ, आपका पूरा एक्सपेंस की पेमेंट यहाँ से निकल सकती है। यानी आपके पीएनएल के अंदर, तुम लोग मुझे बताओगे, आपके पीएनएल के अंदर जिस भी रंगो नस्ल का इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा उससे मेरी इंटरेस्ट पेबल क्या होगा? तो जो बच गया उसको माइनस करोगे तो तुम्हें हर रंगो नस्ल की पेमेंट मिल जाएगी, चाहे वो एक फैसिलिटी के ऊपर हो या दो के ऊपर हो। जस्ट लाइक पीपी, मुझे बात बताओ पीपी का क्या एक का डेप्रिसिएशन निकलता है या सबका? तो यहाँ पे भी तो यही है। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर कैश फ्लो आसानी से, कि भाई आप बोलें कि ओपनिंग लायबिलिटी जीरो थी, जितना भी एक्सपेंस हुआ सबने मेरी लायबिलिटी को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, और जो बच गया तो बाकी क्या हो गया, पे हो गया। अच्छा पहले बताओ ये पेमेंट तक की लॉजिक क्लियर है? अच्छा नहीं, आज के बाद से पीपी का अकाउंट बनेगा इंटरेस्ट पेबल, अगर तो इंटरेस्ट पेबल है वहां पे, क्लियर है? अच्छा, इंटरेस्ट पेबल के अकाउंट का ओपनिंग कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे। कोई तुमसे आज के बाद पूछे कि इंटरेस्ट पेबल किस वजह से इंक्रीज होगा? एक्सपेंस। वेरी गुड, एक्सपेंस की वजह से, पूरे एक्सपेंस की वजह से। यस सर, पूरे एक्सपेंस की वजह से, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस का पूरा एक्सपेंस है वो, क्लियर है? हमने वहां पे पार्क कर लिया, एक्सपेंस की वजह से लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, आपने इसको कंपेयर करना क्लोजिंग से। तो अगर कुछ बच गया तो बाकी क्या हो गया है, पे हो गया। और यहाँ पे भी क्या हुआ था, पे हुआ था। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 5 फैसिलिटीज होंगी तो सबकी सबकी पेमेंट एक साथ मिल जाएगी, तुम्हें अलग अलग निकालने की कोई नीड नहीं है। यहाँ तक क्लैरिटी है? इसको लिंक करें कैश फ्लो से। अब तुम यूँ दस्ती बताओगे तो देखना, वापस से सुनो, फिर से हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ गए, कहानी घूम के वहीं आ जाती है फिर से। रुको, ये वाली बात ना तुम्हें समझ आनी चाहिए, क्योंकि इतने चैंप हो चुके हो तुम इधर, मुझे लगता है तुम्हें भी लगना चाहिए कि मेरे प्रॉफिट में क्या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस होगा, आया नहीं, डेप्रिसिएशन होगा, गेन ऑन डिस्पोजल होगा, हो सकता है लॉस ऑन डिस्पोजल भी हो। 4 चीजें तो मैंने सीख ली हैं, पर मुझे लगता है अल्लाह की कसम अब अगर इंटरेस्ट हुआ तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होगा। नहीं आ रही है बात समझ? भाई मैं कह रहा हूँ पीएनएल में तो हर एक्सपेंस होगा ना, तो सर आप इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं एक एक करके? भाई एक साथ कराऊंगा तो नहीं आएगा ना समझ, एक को समझते हैं फिर कटाते हैं, दूसरे को समझते हैं कटाते हैं, समझ आ रही है चीजें। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पीएनएल में तमाम चीजों के साथ साथ ये चुरंगी और होगी, इससे मेरा प्रॉफिट क्या हुआ हुआ होगा? अच्छा मेरी बात का जवाब दें, इससे जब मेरा प्रॉफिट कम हुआ हुआ होगा, जबकि मेरे पास नीचे यहाँ पे 75,000 नेगेटिव होगा, ये बात नहीं समझ आई? देखो कैश आउटफ्लो मेरी जेब से कितना हुआ है, ऊपर एक्सपेंस में कितना है, 1,00,000 रुपए, कितने का डिफरेंस है? अच्छा अगर मैं यहां पे, अगर मैं यहां पे ये दिखाऊं ना इंटरेस्ट पेड, अगर मैं यहां पे दिखाऊं ना ये इंटरेस्ट पेड, तो मेरे शेयर होल्डर को लगेगा मैंने कितने का इंटरेस्ट पे किया है, 25,000 रुपए का, और वो 1,25,000 हो गया। नहीं यही बात समझ? भाई आपको सोचे, मैं तो आपको सिर्फ लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना भाई, मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिल्कुल सुकून तामुल से। अच्छा पहले बताओ अकाउंट तो क्लियर है ना, करना क्या है? अब यहाँ पे कैश फ्लो पे देखते हैं क्या करना है। सुनो मेरे एक्सपेंस में कितना है, 1,00,000, कैश में कितना गया हुआ है, 75,000। आप अपने शेयर होल्डर को एक काम करें, बोले यार जानी मैंने 75,000 पे किए हैं, तो वो नेगेटिव ये नेगेटिव कितना बन गया, 175। क्या तुम लोगों ने 175 पे किया है? ये तो कभी रिकनसाइल नहीं होगा। तो सर आई थिंक ये अप्रोच क्या है,
गलत है। मैं आ गया इधर, मैंने कहा मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर 1 लाख रुपए नेगेटिव है, मेरे पास एक हथियार है एडजस्टमेंट्स का। अच्छा मुझे अगर आप एक्सप्लेन करने दें, आपको समझ भी आएगी बात। क्या ये बात मानते हो कि 1 लाख रुपए नेगेटिव मेरे ऑपरेशंस की इनकम को कम करके बैठा हुआ है? क्या ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑपरेशन से रिलेट करता है या अदर देन ऑपरेशन है? इसकी भी वही लॉजिक है, पहले तो ये ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता, इसको जीरो करो। ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता, इसको जीरो करो। और दूसरा, इसका इंपैक्ट पहले क्या करो? जीरो। भाई मैं आपके सामने प्रूफ कर रहा हूं, अगर मैं इसका इंपैक्ट जीरो ना करूं तो ये बताएगा कि मैंने कुल मिला के 1.75 पे किया है, जबकि मैंने पे कितना किया है? 75,000। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एडजस्टमेंट्स के अंदर आज के बाद तीसरी चौरंगी आ गई, कौन सी? इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट एक्सपेंस मैं यहाँ पे कर दूंगा एडबैक, मेरा इम्पैक्ट क्या हो गया? जीरो। अच्छा तो सर ये नीचे तो यहाँ पे 75,000 माइनस हुआ है, तो ये तो रिकनसाइल ही नहीं हो रहा अभी भी। अब दिखाएंगे क्या? इंटरेस्ट पेड। अब दिखाएंगे इंटरेस्ट पेड। अब मैं दिखाऊंगा इंटरेस्ट पेड, बिल्कुल कितने से? 75,000 से। क्या अब मेरे शेयर होल्डर को एक बात समझ आ गई? एक्सपेंस होना अलग बात है, पे होना अलग बात है। मैंने शेयर होल्डर को ये बताया भाई 1 लाख रुपए का एक्सपेंस है जो कि ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता, मैंने उसको एड बैक कर दिया। जैसे ही मैंने उसको एड बैक किया, जल्दी से बताओ इम्पैक्ट क्या हो गया? जीरो। अच्छा फिर मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे कैश फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया? क्या मुझे कैश फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया? अब कैश फ्रॉम ऑपरेशन में से मैंने 75,000 रुपये किस पे खर्च किए हैं? इंटरेस्ट की पेमेंट पे। तो क्या इंटरेस्ट की पेमेंट मेरे शेयर होल्डर को यहाँ पे बखूबी दिखेगी? क्लियर है? तो आज के बाद कोई तुमसे पूछे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप वहां पे एड बैक क्यों करते हैं, पहला लॉजिक दो ताकि इम्पैक्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और दूसरा लॉजिक क्या है? वो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। अच्छा आप खुद सोचो, एक माइंड में बनाते हैं, सोचते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर जल्दी बताओ कैश फ्रॉम ऑपरेशन होता है? यस सर। डेप्रिसिएशन होता है, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा डेप्रिसिएशन को क्या करते हो? क्योंकि वो नॉन कैश है, वेरी गुड। अच्छा गेन ऑन डिस्पोजल को क्या करते हो? लेस, ताकि इम्पैक्ट, और वो ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता। अच्छा लॉस ऑन डिस्पोजल को क्या करते हो? ताकि इम्पैक्ट, क्योंकि ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता। इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्यों आप एड बैक करते हो? ताकि इम्पैक्ट जीरो हो जाए, ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता। अबे भाई मैंने तो कैश फ्लो पढ़ा के फाइनल में देख के फर्म में देख के यही चीज सीखी, जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड चीज नहीं है उसको कटा दो अलॉन्ग विद द लॉजिक। ऐसे नहीं जो भी दिख रहा है चलो भाई हटा उसको देख के। क्लियर है? अच्छा पहले बताओ ये लॉजिक क्लियर है? अच्छा सर अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इसकी प्रेजेंटेशन का होंगी सवाल ये आता है, आइडियली फाइनेंसिंग में होनी चाहिए, बट क्योंकि लोगों की मंतव्य ये है कि ये लोन मैंने ऑपरेशंस के लिए लिया है तो इसको मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही दिखाता हूं, बट कैश फ्रॉम ऑपरेशन के बाद। वापस रिपीट कर रहा हूं। आइडियली कुछ कंपनीज ऐसी होती है मल्टीनेशनल जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाती है, बिल्कुल सही बोला तुमने, पर पाकिस्तान की प्रैक्टिस ऐसी है कि वो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बजाय ऑपरेटिंग में ही दिखाते हैं, बट कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के बाद। यानी वो कहते हैं क्या है, सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं, बोलते हैं ये ऑपरेशन से कैश आया, इस ऑपरेशंस के कैश में से मैंने इतना इंटरेस्ट पे किया है, फिर वो कहता है मेरे पास आ जाता है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आ जाता है? यानी अभी मैं इसको यहां पे प्रेजेंट करता हूं सिर्फ आपके लिए। जैसे लेट से पीबीटी है आपका कोई 5 लाख रुपए का, आपने यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट की कितने की? 1 लाख रुपए की, क्योंकि इसमें से 1 लाख माइनस हुआ हुआ होगा ना, ये कितना हो गया? 6 लाख रुपए। इसको मैंने क्या कहा जानी? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। आप इसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बता दें इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट पेड? ये आ गया 525,000। इसको आप नाम देंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। आपका एग्जामिनर भी यही करता है, तो क्योंकि वो मार्केट को देख रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे दिखाना तो 75,000 भी माइनस है, बट उसकी जगह कौन सी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? अच्छा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी एडजस्टमेंट से पहले या एडजस्टमेंट के बाद? अच्छा लॉजिकल बात है ना सर, पहले आप ऑपरेशंस का कैश निकालेंगे, और वो कब आता है? सारी एडजस्टमेंट करने के बाद।
जैसे ही मैंने ऑपरेशंस का कैश निकाल लिया, मैं बताऊंगा इस ऑपरेशंस के पैसे में से 75,000 उनको गए जिनसे मैंने लोन लिया था, कितना पे किया इंटरेस्ट 75,000। तो अब मैं अपने शेयर होल्डर को बोलूंगा इंटरेस्ट पे करने के बाद मेरे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना बच गया, 5-25। अच्छा फिर इसके बाद तो वही कहानी है ना, अगर पीपी परचेज किया तो लेस, पीपी बेचा है तो एड, तो क्या आ जाएगा मेरे पास नेट कैश इनफ्लो। भाई बात क्लियर है, पक्की बात है, जानी पीछे क्लियर हो गई पक्का। अब आखिरी बात मेरी तसल्ली के लिए, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ मेरे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर, मतलब मेरे प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन होता है, तुम लोग बताओ दूसरा क्या होता है, डेप्रिसिएशन, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा जल्दी से आखिरी बात, डेप्रिसिएशन क्यों ऐड बैक होता है, नॉन कैश बैक, गेन ऑन डिस्पोजल क्यों लेस होता है, इम्पैक्ट जीरो, और दूसरा ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता, लॉस ऑन डिस्पोजल क्यों ऐड होता है, इम्पैक्ट जीरो डज नॉट रिलेट टू ऑपरेशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों ऐड होता है, इम्पैक्ट जीरो और डज नॉट रिलेट टू ऑपरेशन। अच्छा जैसे ही सारी एडजस्टमेंट पार्क कर ली तुम्हें क्या मिल जाएगा, वेरी गुड, जब सारी एडजस्टमेंट पार्क की मैंने, जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाया मुझे मिल जाएगा कैश फ्रॉम, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी होता है, गेन ऑन डिस्पोजल सब हो सकता है, मैंने सिर्फ एक बताया। अच्छा जैसे ही कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, अब आपने कहा आपका इंटरेस्ट ऊपर पार्क साफ हो चुका है, अब क्या मैं आपको इंटरेस्ट की पेमेंट दिखा सकता हूँ, यस, कितने से 75,000। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के बाद आप उसमें से इंटरेस्ट की पेमेंट भी दिखाएंगे, तो जब इंटरेस्ट की पेमेंट दिखाएंगे तो आपके पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन बचेगा या नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि उसमें से कुछ और नेट हो गया ना, वो क्या था, इंटरेस्ट की पेमेंट, आपके पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब इसके आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, सेम है, कोई मसला यहाँ तक। अच्छा अब इट्स बेटर कि हम एक सवाल कर लें, अप्लाई कर लें या तो कॉपी करें, सवाल कर लेते हैं, सही जी, प्लीज कॉपी कर लेना, हम सवाल कर लेते हैं इसका। ये बुक का आपका पहला क्वेश्चन है, अब देखो ये लेंथ ऐसी होती रहेगी क्वेश्चन की, जल्दी से आप अगर यहाँ पे नजर नहीं भी आ रहा तो आपके पास वो पीडीएफ मैंने मोबाइल में दिया हुआ है ग्रुप पे, आप चेक कर सकते हैं वहां पे, आई थिंक विजिबल है, यहीं से तस्वीर ले लो, पर बिल्कुल सही करना जानी है तुम लोगों ने, हाँ पहला सवाल है तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ भाई, पीपी का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है आपका 550 और क्लोजिंग आ रहा है 609,400। आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है यहाँ पे 40,000 का। अच्छा आपका डिस्पोजल है सर, कैरिंग अमाउंट इसकी है 25,600। एडिशन कितनी आई, 125,000। सर एक तो ये अकाउंट बन गया आपका, दूसरा अब अकाउंट बना लेंगे भाई इंटरेस्ट पेबल का, इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग आ रहा है आपके पास 75,000, क्लोजिंग आ रहा है 89,400। सर ये किस वजह से इंक्रीज हुआ होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई होगी, सर क्या ये इंटरेस्ट एक्सपेंस मुझे यहाँ दिखता है पीएनएल में 60,000 रुपये ये था। तो पेमेंट कितनी हुई है, 49,45,600। ओके ये सर सारी फिगर्स आ चुकी हैं, खाली हमें कैश फ्लो बनाना है इसका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,104,400। सर एडजस्टमेंट्स के अंदर सबसे पहले आप ऐड करते हैं क्या जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सर ये कितना है भाई 40,000 रुपये। सर अब यहाँ पे गेन ऑन डिस्पोजल है, कोई गेन ऑन डिस्पोजल आपने लेस कर दिया क्योंकि ये ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता, 40,400। और आपने यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या किया,
एड बैक कर दिया सर, आपके पास आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कितना है जी? 1.2 मिलियन। अच्छा, इसमें से आपने पे किया इंटरेस्ट, पे किया 45,600 का, आपने इसको नाम दे दिया भाई नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कितना आ गया ये? 115,440। अच्छा भाई, इसके बाद कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर पीपी एक्वायर्ड कितना है भाई? 125,000। इतना पैसा लग गया हमारी जेब से। हमने कहा डिस्पोजल ऑफ पीपी, यानी प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी कितना है? ये आ गया सर 30,000 रुपए। इस वाली एक्टिविटी का नेट कितना है? 95। सर, अगर मैं कहूं कि मैंने ऑपरेशन से 115,440 लेके आया, 95,000 यहां लगा दिए, तो नेट कैश इनफ्लो कितना? ये आ गया सर 105,940। ये आ गया सर नेट कैश इनफ्लो। इसमें हमने ऐड कर दिया ओपनिंग बैलेंस। सर, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ रहा है 125,600, यानी क्लोजिंग से मैच होता ही है। ये आ गया 1,185,000। क्लियर है जी? कोई मसला है इंटरेस्ट एक्सपेंस तक, यानी तुम्हें वो इन्वेस्टिंग क्लियर हो गया ना? चले जी, अगली क्लास में मिलते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस के साथ। अल्लाह हाफिज़। पीपी का लेजर, ये रहा।